नमस्कार दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट में तो आज बहुत बड़ी खबर बिहार बोर्ड के द्वारा द्वारा आई है और दूसरी बात कि आपके स्कॉलरशिप के योजना का भी ऐलान हुआ है कि यदि दसवीं में आप प्रथम श्रेणी से पास करते हैं तो आपको इतनी राशि मिलेगी तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें मैं सभी जानकारी दूंगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों से दिव्यांग व एवं दृष्टिबाधित मैट्रिक के परीक्षार्थी की सूची मांगी है स्कूल के प्राचार्यों को पाँच फरवरी तक जिला शिक्षा कार्यालय में ऐसे छात्र छात्रों की सूची जमा करनी है साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ई दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित परीक्षार्थी की सूची संबंधित केंद्र केंद्राधीक्षक को देंगे ताकि ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इन परीक्षार्थियों को समिति की ओर से राइटर मुहैया कराया जाएगा राइटर के राइटर को प्रति घंटे बीस मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा दिव्यांग परीक्षार्थी के लिए बैठने की व्यवस्था भूतल पर की जाएगी विज्ञान के बदल विज्ञान के बदल संगीत का पेपर मैट्रिक में दृष्टि बाधित परीक्षार्थी विज्ञान के बदले संगीत एवं गणित के बदले गृह विज्ञान का परीक्षा देंगे संगीत की परीक्षा सत्रह एवं गृह विज्ञान की परीक्षा अठारह फरवरी को आयोजित की जाएगी बाधित परीक्षार्थी प्रथ प्रथम पाली में ही दोनों विषयों की परीक्षा देंगे। बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों हमारे दिव्यांगजनों के लिए उन्हें काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं तो आइए अब स्कॉलरशिप की योजना को जानते हैं मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण तीस हज़ार नौ सौ फोर्टी थ्री विद्यार्थियों के प्रोत्साहन मद में इकतीस करोड़ जारी जी हाँ दोस्तों राशि भी जारी हो चुकी है यदि प्रथम तीस हजार विद्यार्थियों को यह मतलब यदि वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं तो उन्हें यह राशि दी जाएगी तो आइए पढ़ते हैं वर्ष 2020 में मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले तीस हज़ार विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि जल्द मिलेगी शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत तीस दस, तीस करोड़ चौरानबे लाख तीस हज़ार रुपये की रुपये जारी किए गए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले वैसे विद्यार्थियों को दस दस हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिनकी पारिवारिक आय सालाना डेढ़ लाख रुपये तक है इस योजना से सभी वर्गों के विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने कर, बने रहने के लिए और मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक तो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करें अच्छे नंबर ला के उत्तीर्ण आ सकें ताकि उन्हें भी यह प्रोत्साहन राशि हासिल हो सके तो जय हिंद दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद